हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे सिंपल तरीके से मूंगफली का हलवा। मूंगफली का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली, नेक्स्ट हमें चाहिए दूध एंड शुगर। ये जो मैंने मूंगफली यूज की हुई है, ये मूंगफली भुनी हुई है। अभी हम इसका छिलका उतार के इसको मिक्सर ग्राइंड में पीस लेंगे बारीक। देखिए, मैंने मूंगफली को ग्राइंडर में पीस लिया है और हमारी मूंगफली बारीक सी पीस गई है। अब इसको हम मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, बट हम इसमें घी रिफाइंड ऑयल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम मूंगफली जो होती है ऑयली होती है, इसलिए हमें कुछ डालना नहीं है। हाँ, बस हम मूंगफली को कढ़ाई में डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे, कुछ इस तरह तक। एक ही मिनट तक भूनना है, ज़्यादा देर तक हम नहीं भूनेंगे इसको, क्योंकि ये भुनी हुई मूंगफली थी, पहले से ही भुनी हुई है। हमारी मूंगफली अच्छे से भून चुकी हुई है, अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। अब हम इसको गाढ़ा करेंगे ऐसे ही चला के 10-15 मिनट तक इसको अच्छे से। ये भी और गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। हमारी मूंगफली का हलवा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। देखिए, हमारा मूंगफली का हलवा जो है गाढ़ा हो चुका है। अब गैस ऑफ करके इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, फिर सर्व करेंगे। देखिए, हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, अब इसको एक सर्व करेंगे। एक ट्रे लेंगे, इसमें रख देंगे, फिर इसको मैं नारियल के से गार्निश करूंगी कुछ इस तरह से। देखिए, हमने इसको गार्निश कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।